ये तो हमने एज अ थ्योरी डेवलप किया है, एज अ कॉन्सेप्ट आपको बताया है, लेकिन अगर हम कहेंगे भारतीय सरकार संवैधानिक सरकार है तो आपको कहना पड़ेगा कि हाँ संवैधानिक सरकार है, क्योंकि संविधान के अनुसार चलती है, क्योंकि अब हम कॉन्स्टिट्यूशनल का मतलब लगाएंगे जो संविधान में है और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल का मतलब लगाएंगे जो संविधान में नहीं है। जैसे ठीक हमने स्टेट का मतलब समझा था, स्टेट का मतलब हमने बताया था चार अंग होते हैं उसके, लेकिन फिर बाद में हमने क्या कहा था कि हम राज्य का मतलब वही लगाएंगे जो संविधान में दिया गया। तो ठीक वैसे ही हम भी संवैधानिक सरकार का मतलब अभी ये लगाएंगे, इतना पढ़ लिया, ये लक्षण होते हैं, लेकिन अब मतलब ये लगाएंगे कि क्या वो संविधान में लिखा हुआ है या फिर नहीं लिखा हुआ है। तो लिखें एक चीज, लिखो मत, इधर देखो, लिखने का सिस्टम खत्म करो। क्या देखो, कोई चीज अगर संविधान में है तो इसको बोलते हम लोग, अब बोलेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल, संवैधानिक। रिटेन इन कॉन्स्टिट्यूशन, क्लियर। अगर कोई चीज संविधान में नहीं है तो उसे असंवैधानिक नहीं बोल सकते, उसे क्या बोल सकते हैं, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, गैर संवैधानिक। गैर संवैधानिक, देखो नीति आयोग एक गैर संवैधानिक निकाय है, संविधान का नीति आयोग में कोई उल्लेख नहीं है, लेकिन वो असंवैधानिक नहीं है। एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल बनने के लिए या अनकॉन्स्टिट्यूशनल बनने के लिए, यानी असंवैधानिक बनने के लिए जरूरी है कि वो संविधान की आत्मा के ही खिलाफ हो। जो संविधान में नहीं है वो गैर संवैधानिक, और जो संविधान की आत्मा के खिलाफ हो, यानी अगेंस्ट द स्पिरिट, तब उसे बोलेंगे क्या, असंवैधानिक। असंवैधानिक यानी कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल। समझ में आया, कॉन्स्टिट्यूशनल, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, ठीक है। आप इसको खारिज नहीं कर सकते, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल चीज है तो आप खारिज नहीं कर सकते, ये कहकर कि ये संविधान में लिखा ही नहीं है, नहीं। अगर ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल चीज संविधान के विरोध में है रियल में, तो हम कह सकते हैं कि असंवैधानिक भी है, ठीक है। इसका मतलब है कि गैर संवैधानिक चीजें कैसी हो सकती हैं, दो तीन तरीके की हो सकती हैं। एक, अगर कोई चीज संविधान में नहीं है तो वो सांविधिक हो सकती है। कैसी हो सकती है, सांविधिक, यानी वो लेजिस्लेशन में है जो गवर्नमेंट ने बनाया है, या किसी चीज की कानून के तहत सृजित होती है, कानून के थ्रू बनाई गई हो। जैसे ह्यूमन राइट कमीशन है, तो ह्यूमन राइट एक्ट 1993 के तहत आया है, संविधान में नहीं है तो वो गैर संवैधानिक निकाय है, लेकिन सांविधिक भी है। कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है इसलिए नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, लेकिन एक्ट में है तो स्टेट्यूटरी, सांविधिक है। यानी यदि कोई चीज संविधान में है वो संवैधानिक नहीं है तो गैर संवैधानिक। अब गैर संवैधानिक की स्थिति अलग अलग हो सकती है, हो सकता है कि गैर संवैधानिक है तो क्या होगा, कानून बना करके उसे बनाया गया हो तो उसे सांविधिक बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या हो सकता है, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के द्वारा क्रिएटेड या सृजित, जैसे नीति आयोग है, नीति आयोग नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है, गैर संवैधानिक निकाय है, या एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल, संविधान इतर बोल सकते हैं, संविधान की इतर बनाया गया है, संविधान में नहीं है इसका मतलब नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है,
लेकिन कानून के थ्रू नहीं बनाया गया है। मोदी ने कहा, ऑर्डर पास किया, नीति आयोग बन गया। तो नीति आयोग कैसा है? एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से बनाया हुआ निकाय है। समझ में आया? कार्यकारी प्रस्ताव द्वारा सृजित है और कोई चीज अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी हो सकती है, जैसे वो संविधान के ही विरोध में हो। अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। क्लियर हुआ ये बात? जैसे 324 में निर्वाचन आयोग दिया गया है। निर्वाचन आयोग कैसी संस्था है? संवैधानिक है। केंद्रीय सूचना आयोग सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन कानून के तहत बनाया गया है, तो कैसी बॉडी होगी वो? सांवैधानिक। जैसे पहले योजना आयोग था, ठीक वैसे ही ये बनाया गया है। और हमने देखा था क्या, FSDC फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल, वो भी 2010 में, यानी वित्तीय स्थिरता एवं विकास परिषद, वो भी 2010 में कार्यकारी प्रस्ताव से बनाई गई थी। तो वो भी कैसे कैसा निकाय होगा? कार्यकारी प्रस्ताव द्वारा सृजित। और जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है वो तो खराब ही है सर। क्लियर? समझ में आई बात? चलिए बाकी हम लोग